भीलवाड़ा से अगली खबर कांग्रेस नेता पर फायरिंग की खबर है। संगरिया के गजराज सिंह पर फायरिंग हुई है और इस घटना में एक युवक घायल हुआ है। पुलिस ने 3 टीमें तलाश में भेजी हैं। आसपास के इलाके में पुलिस दबिश दे रही है। कमलेश शर्मा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। कमलेश, किस तरह से ये पूरी घटना हुई है, पुलिस का क्या कहना है? जी आपका मैं बता दूं कि सांगरिया में कल संस्कृत दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा था विद्यालय में। इस दौरान कार्यक्रम समाप्ति पर जो अध्यक्षता कर रहे थे कार्यक्रम की कांग्रेस नेता है गजराज सिंह राणावत, वो अध्यक्षता के बाद कार्यक्रम समाप्त होने के बाद जब निकल रहे थे तो निकलने के दौरान पीछे से दो युवक आए नकाबपोश थे और आके उन्होंने फायरिंग करने का प्रयास किया। जब एक युवक ने उनकी कनपट्टी पर लगाकर देसी कट्टे से फायरिंग का प्रयास 3 बार किया तो वो सफल नहीं हो पाया। इस दरमियान उसने लात की मार दी गजराज सिंह राणावत को। पीछे से उसका सहयोगी दूसरा आया और उसने 4 फायरिंग कर दिए जिनमें गजराज सिंह राणावत तो लात की लगने से नीचे गिर गए थे और उनके साथ चल रहे एक युवक के गोली लग गई, थर्रे लग गए तो वो गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल को तुरंत सापुरा अस्पताल भेजा गया और जहां से उसे अजमेर रेफर कर दिया गया। शुक्रिया, आप नजर बनाए रखिए, आगे भी हम आपसे अपडेट लेंगे। तो एक शख्स घायल है, उसे फिलहाल अजमेर रेफर करना पड़ा है क्योंकि उसकी हालत काफी गंभीर बनी हुई है।